हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है साइडवेज एक्शन लिया, थोड़ा बहुत नीचे का लेवल भी रीटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद हमें स्पाइक देखने को मिला। तो जानेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी है, कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करवाई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हमें देखने को मिला। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले 2 या 3 दिन हमें बिटकॉइन में साइडवेज एक्शन लेता हुआ ड्रॉप देखने को मिले, और अगर हम इस बार अगर 40,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर देते हैं, आने वाले दिन में हम 40,000 के बिलो नहीं जाने वाले गाइस। और कल जो है हमने डिप दिखाया है उसके बाद, एंड काफी ज्यादा 42,800 तक चले गए थे। सीएमई गैप ऑब्वियसली हमारा क्लोज हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी हम और नीचे गए, एंड अल्टीमेटली जो है वहां से बाउंस बैक हमें देखने को मिला। ठीक ठाक वॉल्यूम कहूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम नहीं आया था। जिस हिसाब से वीकडेज में पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम आ रहा है, कुछ वैसा ही वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन यस, काफी तेजी से स्पाइक आया और वो जो क्लोजर बनाया लगभग 5.5% का अपसाइड मूव दिखाया बिटकॉइन ने, और क्लोजर बनाया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे $46,292 पे। जी हाँ, $46,292, जो कि जिस लेवल की मैं बात कर रहा था बार बार कि अगर 45,000 के ऊपर हमारा वीकली क्लोजर देखने को मिल जाता है, डेली क्लोजर देखने को मिल जाता है, तो बिटकॉइन काफी अग्रेसिव हो जाएगा, कुछ वैसा सा दिखने लगा है अभी से मोमेंटम। लेकिन मैंने ये भी कहा हुआ है प्रीवियसली वीडियोस में कि 46,000 के आसपास रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे पूरे वीक निकाल सकते हैं। 46,000 के ऊपर क्लोजर ले लिया हमने, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज का क्लोजर क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लेते हैं, काफी दिन हुआ है, रिविजिट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जब पीक आया था तो मैंने आपको कहा था कि क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो एंड फिर बाउंस बैक देखने को मिले, कुछ वैसा ही हुआ। अगर मैं पिछले 3 मंथ का आपको दिखाऊं क्लस्टर, इससे प्रीवियसली आप देखोगे इस लेवल पे 2020 दिसंबर के आसपास से लेकर जनवरी तक हम बने हुए थे कंटिन्यूसली 70 से लेके 80 के रेंज से ऊपर, एंड कंटिन्यूसली बिटकॉइन ऊपर जाता रहा था। लेकिन पिछले कई महीनों से जो है वो नीचे की रेंज में था, और मैंने कहा था कि बॉटम हो चुका है मार्केट का। 3 मंथ्स का अगर मैं दिखाऊं तो ओवरऑल जो है अभी डेफिनेटली हम कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहे हैं। एंड अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1 ईयर पे ही जाके देखने को मिलेगा हमें, हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे इट क्वाइट पॉसिबल कि अगला जो है 2 या 3 वीक हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इट डजेंट मीन कि वो नीचे नहीं जाएगा, इट डजेंट मीन कि ऊपर नहीं जाएगा। अगर नीचे जाता है तो 53 के आसपास, 50 के लेवल के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, एंड वहीं ऊपर जाता है तो लगभग 80 के आसपास जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और इस जोन में हम अगले 2 से 4 वीक निकाल सकते हैं गाइस, इस बात को याद रखना। और जितना ज्यादा टाइम धीरे धीरे हम लेके अपसाइड जाए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, उतना अच्छा होगा मार्केट के लिए, इस चीज को माइंड में लेके चलना। और अगर चांसेस की बात करूं तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे हम पहले 60 का लेवल अराउंड जो है लेवल रीटेस्ट करें, एंड देन जो है हम अपसाइड मूव दिखाएं। डेफिनेटली वो जो होगा स्ट्रक्चर एज पर टीए स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट प्ले आउट करेगा फिर। एंड ये तो डोमिनेंस चार्ट की बात हो गई, डोमिनेंस चार्ट का जो इंपैक्ट है वो ऑब्वियसली क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट अब पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि अभी कुछ दिन तक हम न्यूट्रल में थे, अब जो है हम बुलिश होते जा रहे हैं, यानी कि दुनिया भर में लोगों का जो सेंटिमेंट जो काफी ज्यादा बियरिश हो गया था, लोगों के हिसाब से बियर रन शुरू हो गया था, उनका जो है बुलिश जो है मोमेंटम बनने लगा है। तो क्या ये बुलिश सिनेरियो है या फिर ये फेक आउट होगा, कई लोग कह रहे हैं कि ये फेक आउट होगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस की जो कि हमें देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं एमए लाइन की तो 200 MA लाइन के ऊपर हमें क्लोजर मिल गया। आज क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हम 45,000 का लेवल जो है वापस से रीटेस्ट करें। जी हाँ, 45,000 ऑलरेडी हम 500 के आसपास है, लीस्ट कहां तक जा सकता है, 44,800 से लेकर 900 तक जा सकता है, एंड यहां तक अगर क्लोजर मिल जाता है सेफ होता है। याद रखना, मैंने कहा है मंडे से वेडनेसडे के बीच में डाउनफॉल आ सकता है, और अगर हम उसमें सस्टेन कर लेते तो आने वाले वीक में बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर जाता दिखेगा आपको। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 21 EMA जो है आपका 100 EMA लाइन को क्रॉस कर लिया, तो कई लोगों का कहना है कि गोल्डन क्रॉस ओवर है, अगेन आपकी समझ पे है, लेकिन जनरली जो मार्केट का स्टैंडर्ड कहता है 50 EMA लाइन एंड 200 MA लाइन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं EMA लाइन की, तो EMA लाइन पे डेफिनेटली सारे क्लस्टर ऑफ जो है लेवल बने हुए हैं, और EMA लाइन पे 200 EMA लाइन को क्रॉस करने वाला 50 EMA लाइन, क्या ये क्रॉस करता है या रेजिस्टेंस मिलता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा क्योंकि वो बियरिश है, और मेरा मानना है गाइस हम बुल रन में हैं,
एंड ये जो था ये फेक आउट था, और आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि ईएमए लाइन जो है बुलिश जो सिनेरियो है वो प्ले आउट करता हुआ दिखेगा इसी वीक। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है उसके बाद हमें थोड़ा बहुत कूल ऑफ जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन जो है लेवल ऑफ सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली अपसाइड जाएगा। ग्रीन लाइन की बात करूँ, ग्रीन लाइन जो है अब $40,650 के आसपास आ गया। वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन याद रखना मैंने जो लेवल बोला है वो उसके हाई चांसेस है, इस लेवल के चांसेस अब जाने के कम है। वही बात करूँ आरएसआई की, तो आरएसआई अभी भी यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, जिसकी मैंने बात कही थी कि यहाँ पे इट क्वाइट पॉसिबल कि एक और हम अपसाइड मूव दिखाएं, तो कुछ वैसा ही दिखा रहा है और अभी भी हम 70 के अबव बने हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सकोस्टिक आरएसआई, तो सकोस्टिक आरएसआई जैसे डिक्लेयर कर रहा है कि हम यहाँ पे अपसाइड जाएंगे, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से 80 से लेकर अबव का रेंज टेस्ट करें और उसके बाद ही मार्केट कूल ऑफ हो, लेकिन जो भी होना है इसी वीक होना है। मैकडी हमारा ऑब्वियसली बुलिश बना हुआ है कंटिन्यूसली, तो वन डे के चार्ट पे हम काफी ज्यादा बुलिश हैं। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। 1 आवर के चार्ट पे अभी देखूं, जब से हमें एक स्पाइक देखने को मिला उसके बाद से हम वापस से अभी 21 ईएमए रीटेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल फेल हो रहे हैं। इट क्वाइट पॉसिबल कि वी विल गो एंड रीटेस्ट दिस लेवल 44,900, जो मैंने आपको लेवल बताया वन डे के चार्ट पे भी वो लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है कंप्लीटली 1 आवर के चार्ट पे लोअर लो क्रिएट कर रहा है। एंड डेफिनेटली जो है अगर मैं बात करूं प्राइस वाइज, तो इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट था और ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है। तो डेफिनेटली जो है हम आने वाले आवर्स वेडनेसडे तक का टाइम जो बोला हुआ है, इट क्वाइट पॉसिबल उस रेंज में बिटकॉइन जो है 44,000 का लेवल वापस से रिटेस्ट कर सकता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ सकोष्टिक आरएसआई की, तो जी हाँ सकोष्टिक आरएसआई डेफिनेटली जो है काफी नीचे आ चुका है, यानी कूल ऑफ काफी ज्यादा हो चुका है एंड थोड़ा बहुत और कूल ऑफ होने के चांसेस है। इवन दो कूल ऑफ हो रहा है 1 आवर के चार्ट पे, फिर भी जो है बिटकॉइन आपका कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हमारा आरएसआई जो है 50 अबव बना हुआ है, मेंटेन है, एंड वो जब तक मेंटेन रहता है तब तक हमें अपसाइड ही मूव देखने को मिलेगा। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे आने वाले कुछ आवर्स जो है वो डाउनफॉल दिखा रहा है एंड साफ साफ संकेत है कि 44,000 का लेवल जो है 44,800 के अराउंड का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं। 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी आपको सकोष्टिक आरएसआई में डाइवर्जेंस जो है अब नीचे की तरफ दिख रहा है। फाइनली इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले आने वाले कई आवर्स तक एंड इस लेवल को हम मेंटेन करें। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 4 आवर के चार्ट पे 44,500 का लेवल जो है की लेवल है 21 ईएमए जो लास्ट अभी रीटेस्ट किया था। कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर प्ले आउट होगा तो यहाँ से $1,000 और नीचे जा सकता है बिटकॉइन। फिलहाल अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी रेड हुआ था, वापस से ग्रीन हो गया, फिर से रेड इस मोमेंटम बन रहा है। इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन अभी फिलहाल चलता रहेगा मार्केट में आने वाले 24 to 48 hours में गाइज, एंड यस उसके बाद ही जो है हम कह सकते हैं मोमेंटम एग्जैक्ट हमें पता चलेगा। फिलहाल एग्रेसिव बिटकॉइन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात मंडे को बाउंस कर रहा है, यानी कि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है हम लोगों का। वहीं पे जो वेल्स का एक्युमुलेशन है वो भी जारी है और ये इस बात को दर्शाता है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो स्पाइक जो आ रहा है ये सीधा सीधा इंपैक्ट कर रहा है हमारा डोमिनेंस चार्ट को। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन वापस से अपसाइड जाता हुआ दिखा एंड अल्टीमेटली क्लोजर बनाया 47.27। अभी फिलहाल हम जरूर मामूली जो है डाउनफॉल दिखा रहे हैं, लेकिन 50 के अबव आरएसआई आ गया है। वहीं अगर मैं बात करूं सकोष्टिक आरएसआई के, तो सकोष्टिक आरएसआई जो है मैंने आपको बोला हुआ है अगर हमें मेंटेन करना है नीचे का लेवल, तो डेफिनेटली हमें इस जगह से रिजेक्शन मिलना चाहिए और वो अब क्वाइट पॉसिबल कि इस लेवल के आसपास अगले 24 to 48 hours में हमें देखने को मिल सकता है। और लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन इट क्वाइट पॉसिबल साइडवेज एक्शन ही रहेगा, यानी 46 का लेवल जो रेंज है वो हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन भी साइडवेज एक्शन ले सकता है, जो मैंने लेवल बताया उस लेवल के आसपास रह सकता है। इथेरियम का बीटीसी चार्ट क्या कहता है, और इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी जो है आपका कंटिन्यूसली साइडवेज एक्शन प्रूफ कर रहा है, शो कर रहा है। एंड यस हो सकता है अब 21 ईएमए जो काफी तेजी से ऊपर आ रहा है, तो धीरे धीरे अभी 0.065 के आसपास आ चुका है। तो डेफिनेटली जिस कूल ऑफ की बात हो रही थी वो कूल ऑफ हमें मिल चुका है एंड आने वाले 24 to 48 hours में वी विल सी सम स्पाइक। अदरवाइज गाइस की इथेरियम जो थोड़ा और बीटीसी चार्ट पे गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन इट हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी ए बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल। इन वर्स्ट केस 0.0658 के लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। एंड वैसे अगर क्लोजर की बात करूं तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम आज के दिन वापस से जो है 0.07 का लेवल जो है रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। वही बात करूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे क्या हुआ, इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आफ्टर टेस्टिंग 3200 लेवल हम कंटिन्यूसली रिजेक्शन फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है जिसकी मैंने बात की थी। डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस अभी टेस्ट कर रहे हैं ये आने वाले 1 से 2 दिन तक जारी रह सकता है और उसके बाद जो है हमें वापस से स्पाइक देखने को मिल सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी $2,684 के आसपास पहुंच गया। कल के दिन हम काफी नीचे चले गए थे थोड़ी देर के लिए, जब बिटकॉइन कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था अराउंड जो है $2,864 के आसपास गया था, लेकिन क्लोजर इज इंपॉर्टेंट, क्लोजर कहां पे बनाया 3,164। तो क्वाइट पॉसिबल आज जो है इथेरियम यूएसडी चार्ट पे इसी लेवल के आसपास जो है 3,000 या उससे ऊपर के रेंज में ही क्लोजर मिलेगा।
एंड यस साइडवेज एक्शन आज मेंटेन रहेगा। अगर हमारा डोमिनेंस चार्ट तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे मेंटेन करेगी चीजें एंड अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन चार्ट यूएसडी जो प्राइस है वो आपका बढ़ सकता है या फिर मेंटेन रह सकता है इसी रेंज में इथेरियम का। तो ओवरऑल अभी ऑल्ट कॉइन में जो स्पाइक देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं वो हमें इस वीक के एंड आते आते देखने को मिल सकता है गाइस, इस बात को याद रखना। लेकिन 45,000 का लेवल बिटकॉइन ने क्रॉस कर लिया है, क्लोजर 46,000 के ऊपर बना लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड इसको अगर हम पूरे वीक मेंटेन कर लेते हैं तो वी कैन से कि ये माइलस्टोन होगा बिटकॉइन के लिए। क्योंकि आप देखो अब कहना चार्ट पे बहुत आसान है कि ये बुल रन है, आज से कुछ दिन पहले सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि बियर रन है, ये लास्ट कहते हैं ना लास्ट हथौरा है जो हमें बिटकॉइन को मारना है। 45,000 से लेकर 47,000 के बीच में रेजिस्टेंस है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम ये पूरा वीक इसी जगह पे स्ट्रगल करेगा एंड देन उसके बाद ही हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वीक का कैंडल अगर हम 45,000 के ऊपर क्लोजर बना लेते हैं तो गाइज ये मील का पत्थर साबित होगा और बिटकॉइन वापस से कभी भी आपको 42,000 के बिलो जाते हुए नहीं दिखेगा हिस्ट्री में इस वीक के बाद। इस बात को गांठ बांध के रख लो। फिलहाल जिस हिसाब से सपोष्टिक आरएसआई चल रहा है वीकली चार्ट पे, डेफिनेटली जो है मैग्डी भी जो इंडिकेट कर रहा है, सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमें जो करेक्शन मिलना था वो मिल चुका है और अब हम बहुत बड़े स्पाइक की तरफ जाने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे तो वीकली चार्ट पे इट क्वाइट पॉसिबल जो अभी रेजिस्टेंस जोन है 0.382 वो प्ले आउट हो रहा है और अगला जो टारगेट होगा वो होगा 50,800। जी हाँ, अराउंड 51,000 के लेवल के आसपास बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है और उस लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट होगा बिटकॉइन का वो होगा 57,000। ऑब्वियसली इन सब टारगेट को रीच करना बिटकॉइन के लिए आसान है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र $10,000 का डिफरेंस है और वो कभी भी हो सकता है। लेकिन एज पर TA अगर ये धीरे धीरे हो, आने वाले 2 से 4 हफ्तों में हो, तो वो ज्यादा बेटर होगा बिटकॉइन के लिए, ऑल्टकॉइन के लिए एंड ओवरऑल मार्केट के लिए गाइस। तो नजर बना के रखूंगा, इस कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले मैं आपको ट्विटर या टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम एंड ट्विटर ज्वाइन नहीं किए हो तो मेक श्योर कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर मुझे कुछ भी आपको अपडेट करना होता है गाइस। तो फिलहाल के लिए आज के TA वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।